ब्रेकिंग उन्नाव। अजगांव में सई नदी में पुल न होने की वजह से पत्रकारों ने बड़े ही गंभीरता से खबरों के माध्यम से शासन प्रशासन को आगाह किया था, लेकिन शासन प्रशासन नहीं जागा और एक बड़े हादसे का इंतजार में बैठा था और वही इंतजार आज शासन प्रशासन के लिए खत्म हो गया और एक महिला की नदी में डूबकर मौत हो गई। शासन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण और आस क्षेत्र के मिर्जापुर अजगांव सई नदी पर पुल न होने के कारण एक महिला की डूबकर मौत हो गई। आज फिर उसी प्रकार की दोबारा घटना को अंजाम देने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से बढ़ावा दे रहा है और एक बड़े हादसे का इंतजार में बैठा है यहां का शासन प्रशासन। मामला रसूलाबाद मुंशीगंज मार्ग पर और आई गांव के पास नदी का निर्माणाधीन पुल की सर्विस लाइन के ऊपर से अत्यधिक पानी का बहाव चल रहा है, जिसमें यहां के ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं, जिससे यहां के क्षेत्रवासी ग्रामवासियों के साथ हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा। उन्नाव तहसील हसनगंज क्षेत्र के अंतर्गत रसूलाबाद से मुंशीगंज मार्ग पर स्थित ग्राम और आई के सामने टूटा पड़ा निर्माणाधीन पुल सड़क विभाग एवं ठेकेदार की भीषण लापरवाही के चलते आने जाने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। क्षेत्र के रसूलाबाद मुंशीगंज सकतपुर बीरुगढ़ी कमेदिया हमीरपुर मुस्तफाबाद सरोहा रावतपुर हरीगढ़ी पामाखेड़ा कोटरा पैगम्बरपुर सहित दर्जनों गाँव के लोगों को ब्लॉक मियांगंज और तहसील हसनगंज जाने के लिए दसियों किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है और प्रसूति गृह अस्पताल मियांगंज जाने के लिए महिलाओं को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही और 20-25 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है। यहां के क्षेत्रीय लोगों के आने जाने में हो रही भारी परेशानी पर आज तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी की निगाहें नहीं पड़ी है और एक बड़े हादसे के इंतजार में बैठे हैं यहां के जनप्रतिनिधि और शासन प्रशासन।